गोरखपुर में एक निजी होटल में SDG और सस्टेनेबिलिटी पर प्रभावशाली लोगों और रचनाकारों के काम को मान्यता देने के लिए हाउस ऑफ मोजेक मैरियन फाउंडेशन के तत्वाधान में गार्जियस ऑफ सस्टेनेबिलिटी अवार्ड्स का आयोजन किया। कार्यक्रम के दौरान सस्टेनेबिलिटी पर कार्य करने वाले को सम्मानित किया गया, जिसमें SDG पर जागरूकता पैदा करने वाली प्रथम ट्रेड सेंटिंग पत्रकार जिज्ञासा मिश्र, जलवायु संरक्षण पर अनुकरणीय कार्रवाई आकाश रानी सन, प्रतिष्ठित पर्यावरणविद और सामाजिक कार्यकर्ता रिपु दमन, जैव विविधता संरक्षण नेतृत्व रेणु सिंह, SDG के प्रचार और जागरूकता के लिए कमल नारायण, लक्ष्य संख्या 14 चीनू कात्रा के उच्च प्रभाव के लिए सतत और सेवा पुरस्कार स्थिरता के देवदूत चंद्रिका तमांग, भारत में जलवायु परिवर्तन पर पहली हिंदी फीचर फिल्म देवाशीष मखीजा स्थिरता के राजदूत छात्र संघ निहित तिवारी, स्थिरता पर प्रतिष्ठित ब्रॉडकास्ट 2023 भारत राजीव टिकू स्थित के फैशन आइकन कृति तुला डूडलेज पारस अरोड़ा को मिला गार्जियस ऑफ सस्टेनेबिलिटी अवार्ड का उद्घाटन सांसद रवि किशन ने किया। इस अवसर पर रवि किशन ने कहा, विशेष रूप से लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में अपने निर्वाचन क्षेत्र के नागरिकों के लाभ के लिए गोरखपुर स्थिरता का निर्माण करना उनका सपना है। गोरखपुर के सतत विकास की दिशा में काम कर रहे हैं और गोरखपुर को भारत का पहला SDG अवेयर शहर बनाने के लिए तत्पर हैं। अवार्ड शो में कमिश्नर अनिल डिगरा, डायरेक्टर प्लानिंग आनंद मिश्रा, सुधीर मिश्रा, अदिति गोवित्रीकर, अभिजीत सिन्हा, ब्रजेश सिंह, कमल नारायण और मिहिर श्रीवास्तव सहित अन्य लोग मौजूद रहे। For me, it's a learning experience, and how could he do that? Like running in school, as well as doing a GDC, it's just completely a new world for me. But yeah, with this lovely, lovely partner, I can say, a partner of life, PTG, all your inspiration, I believe, you are the thing behind. इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मैरियन फाउंडेशन के संस्थापक अमरीश चंद्रा ने कहा, हम लोग का बहुत सालों से सस्टेनेबिलिटी या सतत लक्ष्य गोल पर काम चल रहा है, जिसमें कि हम लोगों ने मैरियन फाउंडेशन, हाउस ऑफ मोजेक, जिसके तहत हम सारा सस्टेनेबल काम करते हैं, और सेंट पॉल स्कूल के तहत हम लोगों ने ये काम उठाया है। 2014 से हम लोग इस काम में लगे हुए हैं। 2020 में सबसे पहली बार हमने इसका जो है इस काम का आगाज किया था और अनाउंस किया था, गार्जियंस ऑफ सस्टेनेबिलिटी जो लिखा हुआ है, इस चीज़ को ब्रिटिश पार्लियामेंट में हमने शुरू किया था और पहली दफ़ा वहाँ पर अवार्ड दिया था। उसके पहली अवार्डी आज हमारे साथ हैं श्री सुधीर मिश्रा जी, जो कि इंडिया के नंबर वन ग्रीन लॉयर हैं जो कहा जाता है, और वो भी आज हमारे साथ यहाँ पर कई हमारे सभाओं का मॉडरेशन कर रहे हैं। आज की सभा पहली बार चूंकि इंडिया में सस्टेनेबिलिटी अवार्ड के नाम से हम लोग गोरखपुर में कर रहे हैं, ये उस प्रयास को आगे ले जाता है जब हम सेंट पॉल स्कूल को एक पहला SDG अवेयर यानी सतत लक्ष्य चेतक अगर कहा जाए स्कूल की तरह से हम इसको डेवलप कर रहे हैं, और साथ ही साथ कई और लोगों को, जैसे परसों हमने गुलरिया थाने को एक SDG अवेयर थाना की तरह से उसको EDG महोदय के हाथ से उसको खोला, मेडिकल कॉलेज की चौकी, और आज
गोरखपुर यूनिवर्सिटी डीडी यूनिवर्सिटी गोरखपुर के साथ मैडम वाइस चांसलर प्रोफेसर पूनम टंडन जी के साथ मिलकर हम गोरखपुर यूनिवर्सिटी को भी एक पहला एसडीजी अवेयर यूनिवर्सिटी करने में हम लोग काम कर रहे हैं। सो प्रयास ये है आज की शाम का कि इंडिया भर से जितने भी लोग सस्टेनेबिलिटी पे सतत लोग पे काम करते हैं उनको यहाँ बुलाएं। प्लानिंग डिपार्टमेंट के जो प्रमुख सचिव थे श्री आलोक कुमार जी वो दुबई में हमारे साथ थे। अब प्रार्थना होगी स्वीकार जगमग गोल्ड कपूर के साथ। ट्राई करिए, खुशबू तो लीजिए। पूर्वांचल का AICTE मान्यता प्राप्त तथा AKTU लखनऊ से संबद्ध संस्थान महाराणा प्रताप इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गोरखनाथ गोरखपुर क्वालिटी एजुकेशन और पूर्वांचल के अत्याधुनिक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में प्रशिक्षण के द्वारा 100% प्लेसमेंट सपोर्ट। एडमिशन ओपन इन BTech कोर्सेज कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग डाटा साइंस साइबर सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। कॉन्टैक्ट महाराणा प्रताप इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गोरखनाथ गोरखपुर। हमारा मोबाइल नंबर है 9140282856 तथा 8471044772।